30 अक्टूबर 2024 की आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की एक धमाके में हत्या हो जाती है। हानिया ईरानी सेना के एक ऐसे गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और दूसरी चीज ये कि हत्या से एक दिन पहले ही हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो सबसे ज्यादा ईरानी सेना की साख पर बट्टा लगा है कि कैसे उनके घर आए एक मेहमान की उन्हीं की धरती पर हत्या हो जाती है। हालांकि शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि हानिया की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई है, लेकिन अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा किया है और इस खुलासे ने एक बार फिर से ईरानी सेना के अंदर की कलई खोलकर रख दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक अमेरिकी और 7 मिडिल ईस्ट के अधिकारियों, जिनमें से एक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का अधिकारी भी है, उसने बताया कि हानिया की मौत एक बम धमाके में हुई है और ये बम 2 महीने पहले तस्करी के रास्ते तेहरान पहुंचाया गया था और इस बम को उसी गेस्ट हाउस के कमरे में प्लांट किया गया था जिसमें हानिया ठहरे हुए थे और इस बम में रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट कराया गया था। 3 ईरानी सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि धमाके से हानिया के कमरे की खिड़कियां उड़ गई थीं और दीवार का एक हिस्सा गिर गया था। हालांकि धमाके में बिल्डिंग को बहुत कम नुकसान हुआ था और इस बिल्डिंग की जो तस्वीर अखबार को मिली है उसमें भी धमाके से हुआ नुकसान कम से कम दिख रहा है और इससे ये पता चलता है कि ऐसा धमाका मिसाइल से नहीं हो सकता। इसके अलावा हानिया के बगल में फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के नेता जायद नखलेक ठहरे हुए थे जिनके कमरे तक इस धमाके का नुकसान नहीं पहुंचा है और इससे ये पता चलता है कि हानिया को निशाना बनाने की ये एकदम सटीक प्लानिंग थी। यहां तक कि इसकी योजना बनाने में महीनों लगे और बेहद ही बड़े स्तर पर जासूसी की गई। हालांकि 2 ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें नहीं पता कि कब और कैसे हानिया के कमरे में ये बम रखा गया था। वहीं 5 मिडिल ईस्ट के अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 2 महीने पहले इस बम को प्लांट कर दिया गया था। मिडिल ईस्ट के 5 अधिकारियों का कहना है कि इजरायली एजेंसियों ने धमाके के तुरंत बाद अमेरिका और अपने अन्य पश्चिमी सहयोगियों को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अखबार की रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई अमेरिकी अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हानिया की हत्या में इजरायल का ही हाथ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि IRGC का कहना है कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है वो साल 2020 में ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या की याद दिलाता है, जिनकी एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से हत्या कर दी गई थी। वहीं मिडिल ईस्ट के 5 अधिकारियों का कहना है कि जिस बम से हानिया को उड़ाया गया उसे भी रिमोट कंट्रोल के जरिए ही ऑपरेट किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुबह के करीब तड़के 2 बजे हानिया के कमरे में धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ वहां पर पहुंचा जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया।